हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। और बच्चों उस चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। बच्चों ये जो एक्ट है, ये जो चैप्टर है, इसको शॉर्ट में फेमा के नाम से भी जाना जाता है, फेमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा। आप लोगों को एक्चुअली मैं एक मूवी की स्टोरी सुनाना चाहता हूं। मूवी का नाम है शागिर्द। 2011 के अंदर आसपास, 2011 के आसपास में ये मूवी आई। बच्चों हम ये कहानी पहले क्यों सुन रहे हैं, इसलिए जिससे कि जैसे ही ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और आपको ऑन द स्पॉट समझ में आ जाएगी, तो बच्चों आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, क्यों ये चैप्टर पढ़ा जाता है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन बच्चों इस कहानी के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको बोला कि एक मूवी आई थी बच्चों, और उस मूवी का नाम है बच्चों शागिर्द। क्या नाम है? शागिर्द नाम है उस मूवी का। कब आई थी ये मूवी? ये मूवी आई थी 2011 में। नाना पाटेकर इस मूवी के अंदर मेन एक्टर थे। अपने ध्यान से सुनिए बच्चों, ये हैं नाना पाटेकर जी, और नाना पाटेकर जी पुलिस में थे। इस मूवी के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर थे और करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर थे, टोटली करप्टेड पुलिस इंस्पेक्टर थे। और ये जो आपको यहाँ पर इंसान दिखाई दे रहा है, इन ये वैसे इनका नाम जाकिर खान है, तो ये जाकिर खान जी मिनिस्टर थे, नेता थे मूवी के अंदर, मिनिस्टर, ये भी करप्टेड थे। ठीक है बच्चे, अब हुआ क्या कि ये जो नाना पाटेकर साहब थे ना, ये पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो अपनी पोजीशन का फायदा उठाते थे और बहुत सारा पैसा कमाते थे। ऑब्वियसली करप्टेड आदमी, तो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर पैसा कमा रहे थे बहुत सारा नाना पाटेकर साहब। अब हुआ ऐसा कि दूसरी, अच्छा दूसरी चीज क्या थी, नाना पाटेकर जी करप्टेड तो है और बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज ये थी कि ये जो मिनिस्टर है ना, ये जो मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर का नाना पाटेकर जी के सिर पे हाथ था। तो नाना पाटेकर जी बेधड़क हर किसी के साथ में करप्शन कर रहे और मन चाहा अपना पैसा कमा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे सिर पे मिनिस्टर का हाथ है और वो मेरे को हर वक्त बचा लेगा। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट्स, हुआ ऐसा कि नाना पाटेकर जी ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि इस मिनिस्टर के ही खिलाफ चला गया, इस मिनिस्टर के ही अगेंस्ट चला गया। ऐसी कोई एक्टिविटी नाना पाटेकर साहब से हो गई, तो नाना पाटेकर जी को लगा कि यार मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी है जो कि इस बड़े मिनिस्टर के खिलाफ चली गई है, अगेंस्ट चली गई है, और अब ये मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकता है, ये मेरी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए नाना पाटेकर जी ने क्या किया, नाना पाटेकर साहब ने अपनी फैमिली, इनकी वाइफ और इनकी एक बेटी थी डॉटर, अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को यूएसए भेज दिया, अमेरिका भेज दिया। अब बच्चों हुआ ऐसा कि भाई इनको डर लगा कि मैंने मिनिस्टर के खिलाफ कोई काम कर दिया है, कल को ये मिनिस्टर मेरे अगेंस्ट में कुछ ना कर दे, इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी फैमिली को सेफ करने के लिए मैं अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को यूएसए भेज देता हूं, भेज दिया। अब यार इनकी वाइफ और बेटी तो चली गई यूएसए, और ये नाना पाटेकर के अंदर इनको ऐसा लगा कि यार कहीं वहां पर यूएसए में उनको पैसे की कमी ना हो जाए, उनके पास में पैसा इनफ होना चाहिए जिससे वो अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बहुत ही मजे से गुजार सके, ऐसा लगा नाना पाटेकर जी।
तो नाना पाटेकर जी टाइम टू टाइम जब जब उनको जरूरत होती इंडिया से बाहर फॉरेन में पैसा भेज देते। इंडिया में तो चलता है रुपया, ये रुपया, और यूएसए में चलता है साहब डॉलर। तो यहां से रुपया भेजते, वहां डॉलर में करेंसी चेंज हो जाती। अब क्वेश्चन ये आता है कि नाना पाटेकर जी अपनी वाइफ और अपनी बेटी जो कि यूएसए में रहती है उनको पैसा कैसे भेजते। अब देखो, पैसा भेजने का एक तरीका होता है बच्चों, एक गवर्नमेंट का रूट होता है, गवर्नमेंट के रास्ते के थ्रू आप यहां से किसी भी कंट्री में पैसा भेज सकते हो, वो करेंसी चेंज होकर वहां पे पहुंच जाता है, आपको उस करेंसी का इक्विटेबल अमाउंट जमा कराना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट रूट जो कि लीगल रूट है, अगर उस रूट के थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू आप किसी फॉरेन कंट्री में पैसा भेजना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि वो पैसा आपने कहां से कमाया। गवर्नमेंट आपसे पूछती है, अरे गवर्नमेंट ये पूछती है कि भैया तुमने आखिर ये पैसा कमाया कहां से, ये पैसा तुम्हारे पास में आया कहां से, ये बताओ। नाना पाटेकर जी को लगा कि यार मैं तो इलीगल आदमी हूं, अगर मैं गवर्नमेंट रूट के थ्रू अपने वाइफ को, अपनी फैमिली को पैसा भेजूंगा जो कि एक लीगल रूट है, एंड जो कि लीगल रूट है, गवर्नमेंट रूट के थ्रू मैं पैसा भेजूंगा, और दूसरी बात इसके अंदर ये आ जाती है कि ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू मुझे भेजना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने ना किसी बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑथोराइज कर दिया होता है कि भैया आप जो है वो ऑथोराइज्ड हो, आप इंडिया वाले लोगों का पैसा फॉरेन में किसी को भेज सकते हो, या फॉरेन का कोई बंदा इंडिया में पैसा मंगवा रहा है तो आपके थ्रू मंगवाएगा, किसी बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ये सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन दे देती है, और उस पर्सन को हम ऑथोराइज्ड डीलर बोलते हैं। अगर कोई भी पर्सन फॉरेन करेंसी में, फॉरेन में पैसा भिजवाना चाहता है तो फिर उस केस में उसे ऑथोराइज्ड पर्सन का सहारा लेना पड़ता है, ऑथोराइज्ड डीलर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन नाना पाटेकर जी को ये लगा कि यार अगर मैंने ऑथराइज्ड पर्सन का सहारा ले लिया, अगर मैंने ऑथराइज्ड डीलर का सहारा ले लिया, तो यार भैया मेरे को तो अपना रूट बताना पड़ेगा, मेरे को तो अपने पैसे कमाने का जरिया बताना पड़ेगा, और मैं कैसे बताऊंगा मैंने तो ये पैसा करप्शन के थ्रू कमाया है। तो नाना पाटेकर जी क्या करते हैं, नाना पाटेकर जी चले जाते हैं कुछ इलीगल लोगों के पास, वो लोग भी यही काम करते हैं, वो लोग भी आपका पैसा फॉरेन में भेज देंगे, करेंसी चेंज करके भिजवा देंगे, कमीशन लेंगे उस बात का, गवर्नमेंट भी लेती है, वो भी लेंगे। फर्क कितना है, वो ये नहीं पूछते आपने पैसा कहाँ से कमाया, चोरी करी, डकैती करी, आपने टेररिस्टों कहां से पैसा कमाया है, उन लोगों को मतलब नहीं है, वो तो सिंपल सी बात बोलते हैं, आपको अगर अपना पैसा फॉरेन में भिजवाना है भेज दिया जाएगा, हमारा इतना कमीशन है, बहुत जल्दी भेज दिया जाएगा, आप हमें पैसा दीजिए, हम फॉरेन के अपने एजेंट को कॉल करके बोलेंगे, इनकी फैमिली को पैसा दे। इतनी जल्दी काम होता है, हम ये भी नहीं पूछेंगे आपने पैसा कमाया कहां से, और इस तरह के ट्रांजेक्शंस को बोला जाता है हवाला। ये इलीगल होते हैं, ये गलत होते हैं, ये लीगली अलाउड नहीं होते बच्चों। ये जो चैप्टर है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, एक्चुअली में ये एक्ट है, एक्चुअली में ये कानून है, एक्चुअली में ये लॉ है, और ये कानून, ये एक्ट, ये लॉ लाया गया था 1999 के अंदर। क्यों लाया गया था आखिर ये एक्ट, क्यों लाया गया था आखिर ये कानून, ये इसलिए लाया गया था बच्चों, ये एक्ट, ये कानून 1999 के अंदर इसलिए लाया गया था क्योंकि इससे पहले भी एक एक्ट चलता था बच्चों, देखिए मैं दिखा देता हूं, इससे पहले भी एक एक्ट चलता था और उस एक्ट का नाम देखो, ये दिख रहा होगा आपको, फेरा हुआ करता था, उस एक्ट का नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। हुआ क्या, देखिए हमारा देश आजाद हुआ बच्चों 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ, तो हम लोगों ने ना 1991 तक फॉरेन की किसी कंट्री से ट्रेडिंग करी ही नहीं, कुछ खरीदा या बेचा ही नहीं, क्योंकि हम डरे हुए थे, हमें ऐसा लगा कि पहले जैसे अंग्रेज आ गए, अंग्रेज आए थे बोलकर कि हम आपके साथ में बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, हमारे ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया,
कहीं ऐसे ही हमें कोई दोबारा गुलाम ना बना ले। जब 1947 के अंदर हमको फ्रीडम मिली, आजादी मिली, तो उसके बाद में सिर्फ हम इंडिया के अंदर ही बिजनेस कर रहे थे, इंडिया में ही कोई प्रोडक्ट बनाते थे, इंडिया के ही लोगों को बेच देते थे, फॉरेन की कंट्रीज से हमारी कोई डीलिंग नहीं हो रही थी। फिर 1970s के टाइम पे, 1970 के टाइम पे स्पेसिफिकली बात करूं तो 1973 के टाइम पे इंडिया के लोग जो हैं वो इंडिया के लोग थोड़ा फॉरेक्स रिजर्व्स में पैसा लगाने लगे, क्योंकि आपको ध्यान होगा 1970 के टाइम पे, 1970 के टाइम पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ गई थी। एक्चुअल जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये सब हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन आया था, वो 1991 में हुआ था, वो तो पूरा क्लियर हो गया था। बट उससे पहले थोड़ी बहुत ना ढिलाई बरती गई, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि इंडिया के लिए फॉरेन में डील कर सकते। तो 1970s के टाइम पे इंडिया के लोग फॉरेन के सिक्योरिटीज मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को खरीदने बेचने लग गए। जब इंडिया के लोग 1970s के टाइम पे फॉरेन कंट्रीज के शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को खरीदने और बेचने लग गए थे, तब हमारी इंडियन गवर्नमेंट को यह जरूरत महसूस हुई कि यार कोई एक्ट होना चाहिए। आज इंडिया का बंदा फॉरेन में शेयर्स खरीद रहा है, बेच रहा है, कल को उसके साथ फ्रॉड हो गया तो वो बेचारे का तो नुकसान हो जाएगा। हमारे देश का है, हमारे इंडिया का बंदा है वो, तो उसके साथ में ऐसा ना हो, उसके साथ में कुछ गलत ना हो, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम रखा फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट। ये एक्ट 1973 में बनाया गया था, 1974 से इंप्लीमेंट हो गया था। क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था बच्चों क्योंकि 1970s के टाइम पर, 1970 के टाइम पर, 1970s के टाइम पर हमारे जो इंडिया के लोग थे वो लोग अब फॉरेन के शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स को खरीदने लग गए थे। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट को ऐसा लगा हमारे साथ में कोई फ्रॉड ना कर दे, हमें बचाने के लिए, हमें रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए एक एक्ट लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, जो कि 1973 के अंदर पास हुआ, 1974 से वो अप्लाई हो गया। अब ये चल रहा था, इंडिया के लोग फॉरेन में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को खरीद बेच रहे हैं। लेकिन 1991 के अंदर ग्लोबलाइजेशन आ गया, एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया एक देश बन गया, एक गांव बन गया। मतलब अब इंडिया के लोग फॉरेन में जाकर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बाहर के लोग इंडिया के अंदर आकर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जब एकदम से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, तब इंडिया के जो दरवाजे थे वो सबके लिए खुल गए। तब इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा यार अब तो बेधड़क, अब तो कोई लिमिटेशन नहीं है, अब तो इंडिया के लोग भी फॉरेन के शेयर डिवेंचर्स को खरीदेंगे और फॉरेन के लोग भी इंडिया की कंपनीज के शेयर डिवेंचर्स को, बॉन्ड्स को खरीदेंगे। तो अब तो हमें कोई एक बहुत ही मजबूत एक्ट चाहिए, क्योंकि अब एलपीजी रिफॉर्म्स आ चुके हैं, अब तो बाहर के लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में आकर इंडिया के शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स को खरीदेंगे, यहाँ के लोग फॉरेन के शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स को खरीदेंगे। तो हमें एक ऐसे एक्ट की जरूरत है जो एक्ट अब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, उसमें सभी प्रोविजंस, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा बनाया गया था वो तब बनाया गया था जब पूरा ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, जब पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं आया था, जब पूरा लिबरलाइजेशन नहीं आया था। वो 1973 के टाइम पर बनाया गया था जहां गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत परमिशन दी थी कि आप ट्रेडिंग कर सकते। लेकिन 1991 के बाद में जब प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, अब तो हमें एक ऐसे एक्ट की जरूरत है जो एक्ट खुद में कंप्लीट हो, जो कि अब बनाया गया हो, जो कि इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया हो कि ग्लोबलाइजेशन आ चुका है और फॉरेन का अगर कोई भी बंदा इंडिया के शेयर डिवेंचर्स को खरीदता है, इंडिया का कोई भी बंदा फॉरेन के शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स को खरीदता है या फॉरेन में जाकर पैसा इन्वेस्ट करता है या फॉरेन से पैसा इंडिया में कमा कर लाता है,
या वो फॉरेन के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, वेकेशन के लिए जा रहा है, या कोई बाहर का बंदा इंडिया में आ रहा है, तो वो किस रूट से आ सकता है, कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने की लिमिट होती है, कितने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए, कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनको मना कर दिया गया है, ये बात को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए फेमा एक्ट बनाया गया। इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए फेमा एक्ट 1999 बनाया गया। सॉरी बच्चों, मेरी तबीयत खराब है इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा खांसी, वो इसलिए है क्योंकि मेरी तबीयत काफी दिन से खराब चल रही है, बेटो सही हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई भी इंडिया का बंदा फॉरेन के अंदर पैसा भेजना चाहता है या फॉरेन की प्रॉपर्टीज खरीदना चाहता है, क्या ये अलाउड है, अलाउड है तो कितने रुपए तक अलाउड है, कौन कौन से ऐसे रूट हैं जिनके थ्रू वो फॉरेन में जाकर ट्रेडिंग कर सकता है या फॉरेन के अंदर शेयर्स खरीद सकता है या वो फॉरेन में पढ़ने के लिए जा सकता है, कितने रुपए तक अलाउड होते हैं, फॉरेन से कोई इंडिया में आ रहा है ऐसा कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, किसी को गिफ्ट दे रहा है, वो कितने रुपए तक अलाउड होते हैं, कौन से ऑथराइज्ड डीलर हैं जिनके थ्रू आ सकते हैं, अगर इलीगल काम कर रहे हो तो क्या पेनल्टी लगती है, इसलिए ये एक्ट बनाया गया फेमा एक्ट 1999 के अंदर। इससे पहले भी एक एक्ट चलता था, उसको फेरा एक्ट बोला करते थे, वो 1973 में पास हुआ था, 1974 से वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था। और दूसरी बात बच्चों, में इसमें आपको एक और चीज बता दूं कि ये क्यों बनाया गया था फेरा एक्ट, मैंने आपको बताया फॉरेक्स रिजर्व्स, मतलब उस वक्त थोड़ा बहुत कंट्री ने चालू कर दिया था, इंडिया के लोग फॉरेन के अंदर शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स को खरीद रहे थे, बट बहुत लो था, बहुत बहुत कम खरीद रहे थे, क्योंकि पढ़े लिखे भी लिटरेसी लेवल भी बहुत कम था, लोग डरते थे कि यार ये तो सट्टा है, कहीं हमारा हार्ड जो अर्न मनी है, जो हमने इतनी मेहनत से कमाई है, उसका लॉस ना हो जाए। और उसके अलावा उन लोगों को इंडिया में भी पाबंदियां थी, इंडिया पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड नहीं हुआ था। लेकिन फिर जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन आ गया तो उसके बाद में गवर्नमेंट को लगा कि यार ये जो फेरा है ये कंप्लीट एक्ट नहीं है, क्योंकि ये उस वक्त बनाया गया था जब कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन नहीं आया था, तो प्राइवेटाइजेशन हटा नहीं था, लेकिन अब हमें कंप्लीट एक्ट की जरूरत है जो कि इन बातों को ध्यान में रख के बनाया जाए और जो कि सभी चीजों को अपने अंदर रेगुलेट करे कि इंडिया के लोग फॉरेन में जाकर क्या खरीद सकते हैं, पढ़ने के लिए जाएंगे तो कितना पैसा अलाउड है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कितना अलाउड है, वेकेशन के लिए कितना अलाउड है, फॉरेन के अंदर शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं कि नहीं, कौन से रूट के थ्रू जाना पड़ता है, गवर्नमेंट रूट से ही जाओगे, आप गवर्नमेंट को बताओगे कि आपने वो पैसा कहाँ से कमाया जो इन्वेस्ट कर रहे हो, सेम बाहर से कोई पैसा आपको इंडिया में भेज रहा है या आप कमाई कर रहे हो तो कौन कौन सी जगह कर सकते हो, क्या फॉरेन का पर्सन इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, ये सभी चीजें इस एक्ट के अंदर हमको पढ़नी है। तो बच्चों, अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है। अब आप बोलोगे कि सर इसका आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई ऑब्जेक्टिव है कि फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना। देखो बच्चों, एक चीज आप जानते हो हमेशा से, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि किसी भी कंट्री का बच्चों अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो वो कंट्री बहुत बेहतर है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट का मतलब बेच ज्यादा रही और खरीद कम रही, हर कंट्री ये चाहती, तो इंडिया भी यही चाहता है, तो इंडिया ने भी यही सोचा था कि यार हमें भी फॉरेन मार्केट में उतरना है, अब ग्लोबलाइजेशन आ गया है, लेकिन बस ये है कि कहीं कोई इलीगलिटी ना हो जाए, क्योंकि देखो ये बात तो बच्चों आज भले ही सिनेरियो अलग है, लेकिन अगर हम उस वक्त की बात करें 1991 के आसपास की, अगर हम बात करें जब ग्लोबलाइजेशन आया था, तब इंडिया में लिटरेसी बहुत कम थी, बाहर के लोग हमसे बहुत ज्यादा एडवांस थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो ऑब्वियस बात है इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि यार कोई फॉरेन से आकर हमें चीट ना कर जाए या हमारा नुकसान ना कर जाए, पर इंडिया की गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए कि इंडिया का बंदा फॉरेन में जाकर क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, इन सब चीजों पर कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। तो इजी है, अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, तो बड़ा सिंपल है, देखिए
सबसे पहला तो ये कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो पैसा कमाया जा रहा है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताऊं, पढ़ेंगे हम कि अगर आपने फॉरेन से अमेरिका से या कहीं से पैसा कमाया तो वो आपने कमाया है। जैसे आज मैंने अगर फॉरेन से पैसा कमाया तो वो मैंने कमाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पैसे को मैं इंडिया के अंदर किसी भी पर्पज में यूज ले सकता हूँ। कुछ ऐसे पर्पजेज हैं जिनमें उनको मैं यूज नहीं ले सकता, तो वो इसका मतलब है कि जो पैसा मैंने कमाया है वो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो रहा है। अरे ये मेरी बात समझ में आता? तो यही इसके ऑब्जेक्टिव से जो मैंने बताया कि एक्सपोर्ट इंक्रीज होना चाहिए। तो अभी तक बच्चों आपको ये समझ में आया इस चैप्टर के अंदर कि आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर आया था, इससे पहले फेरा चलता था, वो 1973 में पास हुआ था, 1974 से अप्लाई हुआ था, फॉरेन रिजर्व बहुत लो थे इसलिए उसको लाया गया था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद में हमें कंप्लीट एक्ट की जरूरत थी तो हम फेमा को लेकर आ गए। उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव है कि फॉरेन एक्सचेंज से जो पैसा कमाया जा रहा है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, और उसके अलावा प्रॉपरली इसको यूटिलाइज करो, एक्सपोर्ट हम सही तरह से कर रहे हैं, इलीगल ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे, ऑल दैट, इन सब चीजों का ध्यान रखना। अब बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट बात बताई गई है फीचर्स ऑफ फेमा, इसमें भी सेम बात बताई गई कि जो फेमा एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन देता है कि वो कंट्रोल करे, वो रेगुलेट करे कि इंडिया से पैसा कहाँ जाएगा, किन किन डिपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट हो सकता है फॉरेन के अंदर, फॉरेन में कौन कौन सी जगह पर हम नहीं खरीद सकते हैं या पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और सेम बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा है तो विदाउट अप्रूवल नहीं आना चाहिए, सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू आना चाहिए। आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इनकी पावर होती है। क्लियर ये चीज? क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फेमा एक्ट है वो कहाँ एप्लीकेबल होता है? कंप्लीट इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, पूरे इंडिया पर। स्टूडेंट बोला मेरे से एक बार, बोला सर समझ में आ रहा, सर हमको ये समझ में आ गया कि ये जो फेमा एक्ट है ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, सर हमको ये समझ में आ चुका है। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन जो इंडिया का है पर अभी वो फॉरेन के अंदर है, वो फॉरेन के अंदर है, क्या उस पर भी ये एक्ट अप्लाई होगा? आपने बोला इंडिया के अंदर जो इंसान है उस पर अप्लाई, क्या इंडिया का कोई बंदा जो फॉरेन के अंदर है क्या उस पर अप्लाई होगा? हाँ जी होगा, अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो। रेजिडेंट क्या होता है ये मैं समझाऊंगा, आपने टैक्स में पढ़ा हुआ है 182 डेज प्रीवियस ईयर में जो इंसान 182 दिन 182 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहा तो वो वहां का रेजिडेंट हो जाता है। तो बस इतना याद रखिएगा कि ये जो फेमा एक्ट है ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, इंडिया के लोगों पर एप्लीकेबल होता है, चाहे से वो इंडिया के लोग फॉरेन में गए हैं फॉरेन में हैं तो भी उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, बशर्ते वो इंडिया में इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, उन्होंने इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में गुजारे। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में? अब बात आती है इससे बेनिफिट क्या है। अरे बेनिफिट ही बेनिफिट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लिबरल हो रहा है, आप जितनी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग करोगे उतना उसके दरवाजे खुलेंगे ना। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, अभी मेरा एक फ्रेंड है उसने मुझसे बोला कि मोहित मैं यार एक साइकिल लेना चाहता हूँ बट बहुत अच्छी क्वालिटी की साइकिल लेना चाहता हूँ, चाहे से वो 25,000 30,000 25-30 हज़ार की आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे साइकिल लेना है, बाइक या कार है बट साइकिल लेना है मुझे। मैंने बोला अच्छा भाई, तो बोला मुझे गियर वाली साइकिल लेनी है कि मैं अच्छे खासे लॉन्ग रूट पे जा सकूं उस साइकिल से, साइकिलिंग कर। मैंने उससे पूछा कि यार तूने पहले साइकिल कभी चलाई है, मतलब गियर वाली साइकिल चलाई है? उसने बोला मैंने गियर वाली नहीं चलाई। तो मैंने बोला कि एक नॉर्मल साइकिल ले ले, पहले स्टार्टिंग के तौर पर एक नॉर्मल ले ले, बहुत बेकार भी मत ले और बहुत महंगी भी मत ले, ऐसा कर ले कि एक नॉर्मल प्राइस में 15-1 हज़ार तक में आ जाए, ऐसा 15 से 20 हज़ार में आ जाए, नॉर्मल साइकिल आ जाती है गियर वाली 15-20 हज़ार में अच्छी, तो वो ले ले। उससे क्या होगा पता है, उससे फिर वो गियर वाली साइकिल को अब यूज करना स्टार्ट करे
तो उसे चीजें समझ में आएंगी कि यार कोई चीज कैसे चलती है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। क्योंकि जिस चीज में आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, जिस चीज को यूज करना स्टार्ट कर रहे हो ना, उसकी प्रॉब्लम्स भी पता चलती हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स में आप सुधार लेकर आते हो, फिर वो चीजें लिबरल हो जाती हैं, आसान हो जाती है हमारे लिए। सेम यही बात है कि जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, उतना ज्यादा ये मार्केट लिबरल होगा, उतना ज्यादा इजी हो जाएगा, उतनी आसानी से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने डीटी डबल टैक्स में पढ़ाया आपने, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। पहले क्या होता था ना, पहले ये होता था कि कोई भी पर्सन मानो फॉरेन के यूएसए में जाकर पैसा कमाया, तो यूएसए में भी टैक्स देता था और फिर उस पैसे को इंडिया में लाता था तो इंडिया में भी टैक्स देता था। आधे लोग तो जाते ही नहीं थे इस वजह फॉरेन पे पैसा कमाने, यार हमें दो दो बार टैक्स देना पड़ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट बोली नहीं भाई, हमारा इंडिया का आदमी मेहनत करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, हम उसे मदद करेंगे, हम उसे सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कंट्रीज के साथ में एक डीटीडब्ल्यूए कर लिया, उन्होंने बोला कि अगर उस इंसान ने यूएसए में टैक्स दे दिया, इन केस उसने यूएसए में इनकम जनरेट करी, यूएसए में टैक्स दे दिया, इंडिया में नहीं लगेगा। अगर यूएसए में टैक्स नहीं दिया तो इंडिया में लगेगा, टैक्स एक ही बार लगेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे ये मार्केट लिबरल हो, कंट्रीज के भी टर्म्स सुधर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग अब वहां पर कमाई करने के लिए जाएंगे। सेम उसी तरह से बच्चों, ये जो फेमा एक्ट लाया गया, इसका एक बेनिफिट ये निकल के आया कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो इजी हुआ, वो लोगों तक अप्रोचेबल हुआ, लोग अब उसका यूज लेने लगे, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो गया, ये भरोसा हो गया कि हमारी मदद के लिए एक एक्ट हमारे साथ में बैठा। उसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है, अलाउड मोर फ्रीली इन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ऑब्वियस बात है भाई, पहले जो फेरा बनाया गया था ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, वो तो बच्चों 1973-74 के टाइम पर बनाया गया था। उस वक्त ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इसलिए वो कंप्लीट भी नहीं था, वो यूजफुल उतना नहीं आ रहा था, इसलिए बनाया गया था जिससे कि अब ये ज्यादा फ्री, ज्यादा इसमें हमें मतलब हम ज्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाकर और शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर खरीद सकते हैं, या वहां पे जाकर हम रह सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, ट्रांजिट। पहले पता है आपको, पहले अगर इंडिया से फॉरेन में पैसा भेज रहे हो या फॉरेन जा रहे हो, बहुत सारी आपको अप्रूवल्स लेनी पड़ती थी, अब वो अप्रूवल्स कम हो गई है ना, और एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहा है, इजी मैनर में प्रमोट हो रहा है। आप देखिए कितने आपके ही कुछ रिश्तेदार होंगे या काफी रिश्तेदार होंगे जो एक्सपोर्ट में बिजनेस करते हैं या जानकार होंगे। तो बच्चों ये फायदा हुआ इसका। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में बच्चों, अभी तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो कब आया था, 1999 के अंदर आया था। उससे पहले कौन सा एक्ट चलता था, उससे पहले फेरा एक्ट चलता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और वो कब आया था, फेरा एक्ट 1973 में पास हुआ था, 1974 में आया, लागू हो गया था, इंप्लीमेंट हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व उस वक्त थोड़ा स्टार्ट हुआ था 1970s के टाइम पे, तो इंडिया की गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, कंट्रोल, रेगुलेट, गवर्न करना चाहती थी, इसलिए ये फेरा एक्ट लेकर आई थी। फिर इसे रिप्लेस क्यों कर दिया, क्योंकि 1991 के बाद में ग्लोबलाइजेशन आ गया और फेरा एक्ट ग्लोबलाइजेशन से पहले बनाया गया था, तो ये कॉप अप नहीं कर पा रहा था, ये कंप्लीट नहीं था, इसलिए हमें ये फेमा बनाना। उससे हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या निकले, प्रमोट हुआ एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज से जो पैसा कमाया जा रहा है अब वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने पैसा कमाया कहीं भी लगा दूंगा उसको, इलीगल धंधे में, बिजनेस में लगा दूंगा, नहीं, गवर्नमेंट ने बताया या यहाँ लगा सकते। देन उसके बाद में मेन फीचर्स वही है इसके, कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन है, आरबीआई को परमिशन है, ऑथोराइज डीलर के थ्रू जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, इंडिया के हर इंसान पर एप्लीकेबल होता है, इंडिया का इंसान फॉरेन में है तो भी एप्लीकेबल होता है, बस वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब इंडिया में पिछले साल 182 डेज रहा हो। इसके बाद में इसके बेनिफिट्स भी आ जाते हैं। बेनिफिट्स में मैंने आपको बताया कि लिबरल हो गया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अब इंडिया के, है ना, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड करने लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉरेन फेमा एक्ट का यूज लेने पड़ने लगे हैं, तो जो कमियां थी ना वो धीरे धीरे सुधर गई हैं अब इसके अंदर, और ये फेरा से बहुत ज्यादा बेटर है। और अब इस पे ज्यादा अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती है, पहले तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अप्रूवल लेनी पड़ती थी, अब थोड़े बहुत ही अप्रूवल में काम हो जाता है, एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहा है हमारा। और उसके अलावा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये मैं आगे इस चैप्टर में समझाऊंगा। तो बच्चों अभी तक इस चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को एक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है,
अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर में डेफिनेशंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और फिर आपको पता ही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम हाथ के हाथ सॉल्व करते हैं, ये हम हर सब्जेक्ट में करते हैं। जैसे ही अपना चैप्टर हमने पढ़ा तो जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया चैप्टर का, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम सॉल्व हाथ के हाथ कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बच्चों फिर मैं डेफिनेशंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा दूसरी बात, एक और चीज, अगर ये लेक्चर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है और स्टूडेंट्स आप लोग सोशल मीडिया पर अगर देख रहे हैं कुछ बच्चे, तो और अगर आपको क्लासेस परचेज करनी है बच्चों, तो आप हमारे ऐप के थ्रू भी क्लासेस परचेज कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे टाइप करें मोहित बंसल क्लासेस, ये लोगो आएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में हमारी क्लासेस मिलती है, आपको क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस आपके घर पे नोट्स डिलीवर होते हैं, प्लस उसके अलावा बच्चों हर वेडनेसडे को, सॉरी हर फ्राइडे को लॉ का टेस्ट होता है, हर वेडनेसडे को कॉस्ट ऑडिट सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, और एमसीक्यू हम हर चैप्टर के आपको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर भी क्लासेस परचेज कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। उसके अलावा गूगल ड्राइव पर भी क्लासेस परचेज कर सकते हो। गूगल ड्राइव पर क्लासेस परचेज करने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें, इस नंबर पे आप चाहे तो कॉल कर लो, चाहे तो व्हाट्सएप कर लो, चाहे तो टेलीग्राम पे मैसेज कर लो, और आपको क्लासेस बहुत ही नॉमिनल फीस में अवेलेबल हो जाती है। चलिए बच्चों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।